हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब लोग। तो आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ एसएससी जीडी के लिए जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। तो ये टॉपिक आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अगर आपकी तैयारी जीके की अभी जीरो लेवल की भी है तो आप सिर्फ इन टॉपिक्स पर अभी फोकस करेंगे और इन्हें अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे तो आपके अभी भी जीके में काफ़ी अच्छा स्कोर आ सकता है। इन टॉपिक्स को निकालने के लिए मैंने एसएससी जीडी के जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हुए थे उन्हें अच्छे से एनालाइज किया और साथ ही एसएससी का जो पैटर्न रहा इस साल का, इस साल जितने भी एसएससी ने एग्जाम कराया, चाहे दिल्ली पुलिस का एग्जाम था, एसएससी सीएचएसएल, एसएससी एमटीएस, उन सभी एग्जाम को एनालाइज किया है। उसी अकॉर्डिंग यहाँ पर भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे क्योंकि एसएससी के जितने भी एग्जाम होते हैं उनमें जीके का लेवल ऑलमोस्ट सेम ही रहता है, सेम टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उस हिसाब से जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बने हैं आपके, अराउंड 30 to 35 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेकर आऊँ मैं आपके लिए। आपको यहाँ पर भी दिख जाएंगे वो टॉपिक्स के नेम, यहाँ से आप उन्हें नोट डाउन कर सकते हैं। और सबसे पहले आप इन टॉपिक्स को आपको प्रिपेयर करना है अगर आपने अभी तक कोई टॉपिक प्रिपेयर नहीं कराया तो, और अगर आप पूरा तैयार कर चुके हैं जीके को तो आपको सबसे पहले इन टॉपिक्स को रिवाइज करना है, उसके बाद आगे बढ़ना है, ठीक है। तो लगभग यहाँ पर 30 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इनका नाम आपको स्क्रीन पर भी दिख जाएगा और साथ ही जो हमारा टेलीग्राम चैनल है वहां पर भी मैं इस लिस्ट को प्रोवाइड करा दूंगा ताकि आप वहां से इसे चेक कर सकें, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको टॉपिक के नाम के साथ साथ आपको जो इसको प्रिपेयर कहाँ से करना है वो भी बता दूंगा, ठीक है। तो आप कम मेहनत में ज्यादा टॉपिक प्रिपेयर कर पाएंगे, ठीक है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि एसएससी ने जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम कंडक्ट कराया था और एसएससी सीएचएसएल का एग्जाम जो हुआ था, ये दोनों एग्जाम मैंने दिए थे और क्वालिफाई भी किए हैं। 5 नंबर को स्कोर कार्ड आया था सीएचएसएल का, तो वो भी मैंने 6 नंबर से क्वालिफाई किया है। तो कई लोगों में डाउट रहता है कि भाई आप किस बेसिस बता रहे हो, आपको नॉलेज है भी या नहीं है एसएससी कर में, तो भाई मैंने एग्जाम दिए थे एसएससी के और मैंने क्वालिफाई भी किया जितने भी एग्जाम मैंने एसएससी के दिए अभी तक, ठीक है। तो एक ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी, आप पूरा बिलीव कर सकते हैं कि आपको जो भी इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ वो 100% करेक्ट है और आपके काम आने वाली है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं करंट अफेयर सेक्शन की, क्योंकि करंट अफेयर का वेटेज एसएससी एग्जाम में काफी ज्यादा होता है। लगभग 4 से 5 क्वेश्चन हर शिफ्ट में करंट अफेयर के आते हैं। तो आपको जो प्रीवियस 6 मंथ होते हैं उनकी करंट अफेयर करनी होती है। यहाँ पे आप जून से अक्टूबर तक के करंट अफेयर अगर अच्छे से कर लेते हैं तो वो सफिशियंट रहेंगे आपके लिए। और अगर आप ये कर चुके हैं जून से अक्टूबर तक के करंट अफेयर, तो आपको इन टॉपिक्स, जो टॉपिक के नाम मैं बताने वाला हूँ, इन टॉपिक्स को अच्छे से रिवाइज करना है। और अगर आपने करंट अफेयर अभी तक बिल्कुल नहीं करे हैं तो आप अब करंट अफेयर मंथली मत करें, टॉपिक वाइज करंट अफेयर करें, ठीक है। जो भी आप करंट अफेयर के पीडीएफ है उसमें चेक करें, जो ये वाले क्वेश्चन है इस टॉपिक से रिलेटेड, जो भी क्वेश्चन है, जो भी आपको टॉपिक दिख रहे हैं, इन टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन है उन टॉपिक पर ज्यादा ध्यान दें और उन्हें अच्छे से याद करें। जैसे अपॉइंटमेंट से रिलेटेड जो भी न्यूज होती है, जो भी न्यू अपॉइंटमेंट हुई है, चाहे वो हाई कोर्ट का जज हो, कोई सीएम बदला है, गवर्नर कोई नया आया है, कोई हमारे रक्षा मंत्रालय में नई अपॉइंटमेंट हुई है, तो ये जो भी अपॉइंटमेंट्स होती हैं, आपको पता है नीति आयोग में अपॉइंटमेंट होती है, जितनी भी अपॉइंटमेंट्स हैं उन्हें तो पहले अच्छे से कर लेना है, बिल्कुल छोड़ना नहीं है उन्हें। उसके बाद अवार्ड्स, जितने भी अवार्ड्स मिलते हैं, चाहे वो कोई भी अवार्ड हो, चाहे वो पर्यावरण के क्षेत्र में मिला हो, और मोस्ट इंपॉर्टेंट है फिल्म वाले अवार्ड, जो भी बाफ्टा अवार्ड, ऑस्कर अवार्ड, फिल्म फेयर, नेशनल फिल्म अवार्ड, जितने भी अवार्ड्स होते हैं, ये जितने भी अवार्ड हैं जिनके नाम काफ़ी मशहूर हैं अवार्ड्स के, सरस्वती सम्मान, ठीक है, ज्ञानपीठ अवार्ड, ये सारे अवार्ड्स तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए किसको मिले हैं इस साल के, ये पता होना चाहिए आपको। उसके बाद है अवार्ड स्पोर्ट्स, ठीक है, करंट अफेयर में जो स्पोर्ट्स न्यूज होती है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। टूर्नामेंट्स कौन से कहाँ पर हेल्ड हुए हैं, ठीक है, उसके बाद विनर कौन सा रहा, कोई मान लीजिए कोई बड़ा स्पोर्ट्स टूर्नामेंट हुआ है उसका विनर कौन था वो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इससे क्वेश्चन स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो लोग होते हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन बनता है। जैसे पूछा जाए कोई भी नाम, मैरी कॉम किस स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, मीराबाई चानू किस स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, तो ये जो नाम होते हैं वो करंट अफेयर के ही होते हैं, जिन्होंने अभी रिसेंटली कोई टूर्नामेंट जीता है उन्हीं के नाम यहाँ पर पूछे जाते हैं। उसके बाद आपको करंट अफेयर में इंपॉर्टेंस देनी है गवर्नमेंट योजना को। गवर्नमेंट योजना में आप स्टेट गवर्नमेंट की जो योजनाएं हैं उन्हें इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो भी योजना होती है वो काफी इंपॉर्टेंट होती है, उन पर आपको अच्छे से ध्यान देना है। इसके बाद है इंडेक्स और रैंकिंग, जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में हमारी क्या रैंकिंग है, हंगर इंडेक्स में क्या रैंकिंग है, करप्शन में क्या रैंकिंग है, यहां से क्वेश्चन बनता है, तो इस पे ध्यान दीजिएगा आप। तो ये जो मैं सीरीज बता रहा हूँ, पहले अपॉइंटमेंट, उसके बाद अवार्ड, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है, उसके बाद अवार्ड इंपॉर्टेंट है, उसके बाद स्पोर्ट्स टूर्नामेंट इंपॉर्टेंट है, तो इस हिसाब से बता रहा हूँ मैं आपको। आपको बीच में से स्टार्ट नहीं करना, पहले आपको अपॉइंटमेंट ही करना है कंप्लीट, क्योंकि अपॉइंटमेंट सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। इसके बाद इंडेक्स के बाद आपका फेस्टिवल, जो भी अभी थाई पुसम फेस्टिवल अभी मनाया गया था रिसेंटली, तो ये कहाँ पर मनाया गया, किस देवता से रिलेटेड है, तो ये सब जो भी न्यूज में रहते हैं जितने फेस्टिवल, वो काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि हर एग्जाम में आप देख सकते हैं आजकल 2 से 3 क्वेश्चन जो हमारा लोक नृत्य होते हैं और फेस्टिवल होते हैं यहाँ से पूछे जाते हैं, तो इसलिए फेस्टिवल वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप करंट अफेयर में देखते चलें। इसके बाद बुक्स एंड ऑथर्स, जो भी प्रीवियस एक साल में बुक्स आई हैं नई, वहाँ से क्वेश्चन 100% आता है, एक क्वेश्चन आपको बुक से रिलेटेड मिल जाएगा, या चाहे तो वो बुक कौन सी होगी, रिसेंटली कोई बुक लॉन्च हुई है वाली बुक हो सकती है, या फिर जो इतिहास की कोई बुक थी, जैसे पाणिनि ने बुक लिखी थी राजतरंगिणी, राजतरंगिणी में कल्हण ने लिखी थी, पाणिनि ने कौन सी बुक लिखी थी हमारी,
अष्टाध्यायी, तो ये सारी जो भी बुक्स है हमारी हिस्ट्री की या फिर रिसेंटली लॉन्च बुक है वहां से एक क्वेश्चन बनता है आपका, इसे ध्यान दीजिएगा। उसका डेज एंड थीम, ठीक है, डेज जो भी है आप उसे तो लूसेंट के स्टैटिक पोर्शन से याद कर सकते हैं कि कौन सी तारीख को कौन सा डे मनाया जाता है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। एसएससी एमटीएस एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे टी डे कब मनाया जाता है, 21 मई को, जितने भी इंपॉर्टेंट डे है वो सब आपको पता होना चाहिए। और करंट अफेयर में आप उनकी जो थीम है, बड़े बड़े इंपॉर्टेंट डे जो होते हैं जैसे योग दिवस, ह्यूमन राइट्स डे, तो ये जो बड़े बड़े डे है, कैंसर डे वगैरह, इनकी थीम आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है, ये पूछा जाता है। इसका कंट्री कैपिटल और करेंसी, तो जो अपॉइंटमेंट वाला पार्ट था वहीं पर आप ध्यान दीजिए, जो हमारी नेबर कंट्रीज हैं, जो भी हमारे पड़ोसी देश हैं और साथ में वो देश जिनके साथ हमारे संबंध अच्छे हैं, अगर वो कंट्री न्यूज़ में है किसी भी कारण से, तो उन कंट्री पे आप ध्यान दीजिए, उनकी कंट्री की कैपिटल क्या है, करेंसी क्या है, वो पढ़िए। और अगर कोई कंट्री है जिसका साथ हमारे संबंध अच्छे हैं, वो कंट्री न्यूज़ में है, उसके प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट नए चुने गए हैं, तो वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, उन कंट्री की कैपिटल करेंसी आपको बिल्कुल मिस नहीं करनी है। यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है डायरेक्टली। तो ये होगा करंट अफेयर का। करंट अफेयर आपने मंथली वाइज करी है, तो अब जब आप रिवाइज करें तो इन टॉपिक्स पर ज्यादा फोकस करें। और जो युद्ध अभ्यास जितने भी थे, यहाँ पे मिस कर दिया मैंने, युद्ध अभ्यास भी आपको देखते हुए चलने हैं, उस हिसाब से करें। और आप अभी तक आपने कोई भी करंट अफेयर नहीं करें तो आप अब उसे स्पीडी की जीके बुक आती है, स्पीडी जीके की बुक आती है, वहां से आप टॉपिक वाइज करंट अफेयर कंप्लीट कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट अवार्ड एक एक करके आप कंप्लीट कर लेंगे वहां से, ठीक है। तो सोर्स बता दिया मैंने कहां से कंप्लीट कर सकते हैं आप इसे, और YouTube पर काफी सारी वीडियोस मिल जाती हैं, आप डालेंगे लेटेस्ट अपॉइंटमेंट्स, तो वहां पे आपको करंट अफेयर की वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। और आपको अगर मंथली करंट अफेयर करनी है तो मैंने पर्सनली एग्जामो चैनल पर, सर है राहुल मिश्रा सर, वहां से मैंने खुद करी थी SSCHL वाले एग्जाम के लिए और SCMTS के लिए भी, तो वहां से आप देख सकते हैं मंथली करंट अफेयर। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टैटिक जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की, करंट अफेयर के बाद जो सबसे ज्यादा वेटेज रहता है एग्जाम में वो रहता है स्टैटिक जीके का। यहाँ पर पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका त्योहार नृत्य और वाद्य यंत्र वादक, ये टॉपिक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एसएससी ने इस साल जितने भी एग्जाम लिए हैं उसमें इस टॉपिक से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे हैं उसने, ठीक है, तो इस टॉपिक को आप बिल्कुल मिस नहीं कर सकते। त्योहार नृत्य वाद्य यंत्र वादक, इन तीनों को पहले आप पे जो भी बुक है, चाहे वो स्पीडी जीके की बुक है या फिर लूसेंट की बुक है, वहां से कंप्लीट करें। नृत्य में शास्त्रीय नृत्य, लोक नृत्य, दोनों आपको अच्छे से करना है। उसके बाद इन तीनों से रिलेटेड एसएससी ने जितने भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे हैं उनको करना है आपको जरूर, ठीक है, क्योंकि एसएससी ज्यादातर ये करते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को ही रिपीट करती है बार बार। तो आपको यूट्यूब पे काफी सारी वीडियोस मिल जाएंगी, अगर आपको ना मिले तो बता दीजिएगा, मैं कोशिश करूंगा कि नोट्स बना के आपको प्रोवाइड करा दूंगा तीनों चीजें, क्योंकि ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकंड टॉपिक है आपका हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स। हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स का टॉपिक आपको लूसेंट की जीके बुक में मिल जाएगा, वहां पर काफी सारे नाम दे रखे हैं, इसलिए मैंने एक वीडियो बनाई थी स्टैटिक जीके की, वहां पर जो इंपॉर्टेंट उसमें नाम थे उसे मार्क करके आपको दे दिया था ताकि आप उन्हीं नामों को याद करें। और इसी में आपको ये भी याद करना है प्राचीन मंदिर, विरूपाक्ष मंदिर, बृहदेश्वर मंदिर, कोणार्क मंदिर, ये जितने बड़े बड़े मंदिर हैं ये कहाँ पर है, इसे जरूर याद करना है, इंपॉर्टेंट है। और इसमें से जो फेमस मंदिर है, जैसे पुरी, उड़ीसा पुरी में जो मंदिर है, जैसे कोणार्क का मंदिर है, ये मंदिर किसने बनवाए थे ये भी पता होना चाहिए आपको। इसके बाद है इतिहास की बुक, मैं पहले बता चुका हूँ इतिहास की बुक से भी क्वेश्चन बन सकता है, एक ही क्वेश्चन आता है बुक से, चाहे वो लेटेस्ट बुक हो या फिर इतिहास की बुक, तो ये भी बुक आपको पता होनी चाहिए। इसका नेशनल पार्क काफी इंपॉर्टेंट है, नेशनल पार्क्स जो भी इंपॉर्टेंट है सारे पता होने चाहिए, कुछ नए नेशनल पार्क्स भी बने हैं अभी, वो काफी इंपॉर्टेंट है, एसएससी एमटीएस के एग्जाम में पूछे गए थे, तो उनको जरूर पढ़ लीजिएगा, कौन से नेशनल पार्क नए आए हैं इन्हें जरूर पढ़ना आपको, नेशनल पार्क्स इंपॉर्टेंट है। उसके लिए मैंने आपको पीडीएफ दे रखी थी स्टैटिक जीके की वीडियो में, उसमें मिल जाएंगे आपको इंपॉर्टेंट नाम, वहां से आप उसे याद कर सकते हैं। उसका रामसर साइट्स, जो भी रामसर साइट्स अभी इस साल कई रामसर साइट नई जुड़ी हैं, इससे काफी सारे क्वेश्चन SSCHL और MTS में पूछे गए थे, तो इनको मिस नहीं करना है। 2019 से 2021 तक जितनी भी नई रामसर साइट्स ऐड हुई हैं वो तो आपको जरूर याद होनी चाहिए, आप विकीपीडिया पे सिंपल सर्च करके देख सकते हैं या फिर बताइएगा, मैंने इसके नोट्स बना रखे हैं तो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा टेलीग्राम पर। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और उनके हेडक्वार्टर, लूसेंट बुक में आपको ये अच्छे से दिख मिल जाएंगे, सबकी लिस्ट बनी हुई है वहाँ पे और कहाँ कहाँ पे किस ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर वो सब दे रखा है, वहाँ से याद कर लीजिएगा आप। और करंट अफेयर सेक्शन में भी इससे रिलेटेड आपको बताया था मैंने कि सबमिट जहाँ पर भी हुए थे, चाहे वो G7, ASEAN, BRICS, इनका सबमिट जहाँ पर भी हुआ था इस साल वो आपको जरूर याद होना चाहिए, इंपॉर्टेंट रहता है ये। और अगर इनके जो हेड हैं वो चेंज हुए हैं तो वो भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद अवार्ड, अवार्ड देखिए एक तो करंट अफेयर में जो अवार्ड्स होते हैं वो ध्यान रखने, और साथ में कुछ अवार्ड्स हैं जैसे ज्ञानपीठ अवार्ड, शंकर कुरूप अवार्ड, ऐसे कई सारे नाम होते हैं अवार्ड्स के आपको दिख जाएंगे, तो ये अवार्ड जो बड़े बड़े अवार्ड है जैसे पुलित्ज़र अवार्ड, ऐसे क्वेश्चन बनता है कि पुलित्ज़र अवार्ड किस क्षेत्र से रिलेटेड है, संगीत के क्षेत्र से, पत्रकारिता के क्षेत्र से, तो आपको पता होना चाहिए कि पुलित्ज़र अवार्ड है वो पत्रकारिता के क्षेत्र से रिलेटेड है, तो ऐसे नाम आते हैं। तो जितने भी अवार्ड आपको दे रखे हैं लूसेंट की बुक में वहां से प्रिपेयर कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट अवार्ड्स।
की लिस्ट वहाँ पे मिल जाएगी, और किस किस क्षेत्र से वो रिलेटेड है, किस फील्ड में कौन सा अवार्ड दिया जाता है वो आप ध्यान रखिए। और जो इम्पोर्टेंट अवार्ड जैसे ज्ञानपीठ अवार्ड था, पहला अवार्ड किसको मिला था, श्री शंकर कुरूप को मिला था, ये सब आप याद रखिएगा वहाँ पे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका हेरिटेज साइट्स, विश्व विरासत स्थल। तो भारत में जितने विश्व विरासत स्थल हैं उनका लोकेशन आपको पता होना चाहिए, जैसे नाम दे दिया किसी विश्व विरासत स्थल का और पूछ लेता है कि ये किस जगह पर रिलेटेड है, किस शहर में है, तो वो याद होना चाहिए आपको। और अभी लेटेस्ट 2 विश्व विरासत स्थल नए ऐड हुए हैं, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, SSC के हर एग्जाम में पूछे जा रहे हैं अभी, तो इनको नाम आपको याद रखना है कौन से 2 नए विश्व विरासत स्थल ऐड हुए हैं। जैसे रामसर साइट आपने याद करी थी, वैसे विश्व विरासत स्थल जो नए ऐड हुए हैं वो आपको अच्छे से याद रखने हैं। इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है डैम्स। तो जितने भी डैम्स हैं वो आपको याद होने चाहिए, कहाँ पर कौन सा डैम है और किस नदी के ऊपर है, ये 3 चीज आपको याद रखनी है। स्टैटिक जीके वाले पोर्शन में मैंने ये भी आपको अच्छे से करा दिया था कौन कौन से इंपॉर्टेंट डैम है वो बता दिए थे। और आपको मेनली ध्यान देना है जो जम्मू कश्मीर के क्षेत्र में जो डैम्स हैं उन पर ज्यादा ध्यान देना है, उरी डैम, बगलिहार, सलाल डैम, ये डैम काफी इंपॉर्टेंट है, किस नदी पर है, कहाँ पर है, ये सब याद रखना है। उसका जनसंख्या, ज्योग्राफी के एंड में आप देखेंगे लूसेंट बुक में आपको जनसंख्या वाला पार्ट मिल जाएगा, 2011 की जनसंख्या के आधार पर जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है वो सब आपको याद रखने हैं। उसके बाद अब भारत विश्व में प्रथम, सबसे पहले ही पार्ट है स्टैटिक जीके का, भारत और विश्व में प्रथम स्त्री पुरुष की लिस्ट आपको पता होनी चाहिए, और सबसे बड़ा छोटा जो इमारत वगैरह है, कोई नदी सबसे बड़ी है, सबसे छोटी दुनिया की कौन सी नदी है, ये सब आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये तो जनरल फैक्ट है, ये आपको पता ही होना चाहिए। तो स्टैटिक जीके आपका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उस पर आपको अच्छे से फोकस करना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हिस्ट्री के बारे में। हिस्ट्री में आपके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसमें फर्स्ट है गांधी युग। तो गांधी जी के समय से काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं हिस्ट्री में। तो गांधी जी जब भारत आते हैं दक्षिण भारत से वापस, उसके बाद चंपारण सत्याग्रह पहला होता है, उसके बाद जो उनके नेतृत्व में जितने भी आंदोलन हुए और जिन भी आंदोलन में उनकी सक्रिय भूमिका रही वो सब आंदोलन आपको पता होना चाहिए। उनका जो एग्जैक्ट ईयर था उन आंदोलन को होने का वो आपको पता होना चाहिए। और जितने भी इंपॉर्टेंट आंदोलन थे वो मैंने अपनी हिस्ट्री की वीडियो के थ्रू आपको करा रखे हैं, लास्ट 2nd या 3rd वीडियो होगी उसमें मैंने सारे आंदोलन आपको अच्छे से बता रखे हैं। नेक्स्ट आपकी कांग्रेस मीटिंग। तो लूसेंट की बुक में आपको कांग्रेस मीटिंग का पूरा चार्ट मिल जाएगा कि जितनी भी कांग्रेस मीटिंग अभी तक हुई थी वो सारी मिल जाएंगी आपको, और वहां पर क्या क्या हुआ था वो सब आपको मिल जाएगा। और अगर आपको इंपॉर्टेंट कांग्रेस मीटिंग देखनी है तो आप मेरी लास्ट वीडियो देख सकते हैं हिस्ट्री की, वहां पर आपको इंपॉर्टेंट कांग्रेस की मीटिंग दिख जाएंगी, 1911 की मीटिंग, 1924 की इंपॉर्टेंट मीटिंग, 1917 वगैरह, जो भी इंपॉर्टेंट मीटिंग थी कांग्रेस जो आपको याद रखनी है वो मीटिंग आप वहां से देख सकते हैं। उसके बाद प्राचीन राजवंश। तो जितने भी राजवंश थे, चाहे वो गुप्त साम्राज्य है, चाहे वो कोई भी राजवंश था, उनसे आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। ठीक है, या फिर मेन जो क्वेश्चन आता है डायरेक्ट वो आता है कि किसी राजवंश का नाम दे दिया और आपसे पूछा जाएगा कि इनके संस्थापक कौन थे या फिर उनकी राजधानी क्या थी। तो जो भी राजवंश है इंपॉर्टेंट उनके आपको संस्थापक कौन थे वो तो याद ही होना चाहिए कम से कम। और यहाँ पर ही सबसे इंपॉर्टेंट दक्षिण भारत के राजवंश। दक्षिण भारत में पल्लव राजवंश, चोल राजवंश, तो ये जो राजवंश थे इन्होंने काफी ज्यादा महत्वपूर्ण कार्य कराए, तो इनके संस्थापक कौन थे, राजधानी क्या थी, आपको पता होना चाहिए। इसके बाद है गवर्नर जनरल वाइसराय। तो किस गवर्नर जनरल के काल में क्या हुआ, जैसे लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में 1919 में रॉलेट एक्ट पास हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, तो इसलिए काफी इंपॉर्टेंट है। लॉर्ड इरविन के समय में क्या हुआ था, लॉर्ड विलियम बेंटिंक के समय में क्या हुआ, तो गवर्नर जनरल इंपॉर्टेंट है। ये भी मैंने हिस्ट्री की वीडियो थ्रू करवा रखा है अच्छे से, आप देख सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको मिस मत कीजिएगा। ठीक है, इसके बाद पॉलिटी। पॉलिटी में आपको क्या करना है, सबसे पहले संविधान के स्रोत। तो जर्मनी से भारत के संविधान में क्या लिया गया है, USA से हमने क्या क्या लिया है, मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए हैं, DPSP जो नीति निर्देश सिद्धांत है उनको हमने कहाँ से लिया है, किस देश के संविधान से लिया है, ये सब आपको पता होना चाहिए। ये लूसेंट ईबुक में आपको अच्छे से दिख जाएगा, पूरा कॉलम बना हुआ वहाँ पे एक। मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकारों से जो रिलेटेड आर्टिकल है वो आर्टिकल पता होना चाहिए आपको, जैसे पूछ लिया जाता है कि आर्टिकल 17 किससे रिलेटेड है, आर्टिकल 19 किससे रिलेटेड है, तो आर्टिकल जो इंपॉर्टेंट है वो आपको पता होना चाहिए, वही मौलिक अधिकार का जो आर्टिकल है वो इंपॉर्टेंट है। और DPSP नीति निर्देशक सिद्धांत के आर्टिकल वो आपको पता होना चाहिए। मौलिक कर्तव्य इंपॉर्टेंट है, मौलिक कर्तव्य किसके अंतर्गत आता है, किस अनुसूची में है, किस आर्टिकल में, आर्टिकल 51A, तो ये सब पता होना चाहिए आपको। नेक्स्ट टॉपिक है आपका इंपॉर्टेंट आर्टिकल और अनुसूचियां। तो मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य के आर्टिकल्स हटाने के बाद भी कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल आपके बचते हैं, तो जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं उन्हें आपको पढ़ के जाना है, जैसे किस आर्टिकल के अंदर फाइनेंस कमीशन आता है, किस आर्टिकल के अंदर UPSC आता है, तो कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आपको याद होने चाहिए। और अनुसूचियां, 12 अनुसूचियां, और उन सभी अनुसूचियों में क्या क्या दे रखा है वो आपको जरूर याद होना चाहिए। जैसे आर्टिकल अनुसूची 6, 6 अनुसूची है, उसके अंतर्गत जो शेड्यूल टाइप वाले एरियाज हैं उनके बारे में दे रखा है, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका इंपॉर्टेंट आर्टिकल और अनुसूचियां। तो किस अनुसूची में क्या दे रखा है, हमारी टोटल 12 अनुसूचियां हैं, किस अनुसूची में किसके बारे में दिया गया है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका इंपॉर्टेंट आर्टिकल और अनुसूचियां। तो मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य हटाने के बाद भी कुछ आर्टिकल आपके बचते हैं जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे किस आर्टिकल के अंतर्गत निर्वाचन आयोग के बारे में दे रखा है, किस आर्टिकल के अंतर्गत फाइनेंस कमीशन है,
तो ये सब आपको पता होना चाहिए। और मेन यहाँ पर कौन से आर्टिकल है, जिन आर्टिकलों में लोकसभा और राज्यसभा के बारे में कुछ प्रावधान है वो आपको पता होना चाहिए। और अनुसूची हमारी 12 है, और किस अनुसूची में क्या बात लिखी हुई है वो आपको पता होना चाहिए। यूट्यूब पे इसके लिए ट्रिक भी मिल जाएगी आपको, उससे आप याद कर सकते हैं इसके। इसके बाद संविधान संशोधन, कुछ संविधान संशोधन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे किस संविधान संशोधन के द्वारा जो निर्वाचन जो वोट देने की आयु 21 वर्ष से 18 वर्ष करी गई, ये इंपॉर्टेंट है। दिल्ली को किस संविधान संशोधन द्वारा भारत की राजधानी बनाया गया, तो इंपॉर्टेंट संविधान संशोधन आपको याद रखने 42 और 44 जो संविधान संशोधन था ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। पॉलिटी में जो आपका लास्ट टॉपिक है वो है इंपॉर्टेंट कमीशन, जैसे यूपीएससी, निर्वाचन आयोग, फाइनेंस कमीशन, यहाँ पर कितने कितने मेंबर्स होते हैं, उनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है ये आपको पता होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। और किस किस आर्टिकल में कौन सा कमीशन आता है ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका ज्योग्राफी, तो ज्योग्राफी से आपको नदी, द्वीप, झील, तट, ये आपको पता होना चाहिए। नदियां देखिए, भारत की नदियों पर ज्यादा फोकस करें, जो वर्ल्ड की नदियां उन पर ज्यादा फोकस नहीं करेंगे चल जाएगा, भारत की नदियां आपको ज्यादा फोकस करनी है इस टाइम। भारत में जो भी इंपॉर्टेंट झील है, लोकटक झील, सबसे बड़ी झील सांबर झील, ये सब आप झील वगैरह आपको याद रखनी है। इसका तट जो है जैसे मालाबार तट, कोंकण तट, जो हमारी लूसेंट की बुक है उसमें मिल जाएगा आपको। यहाँ से क्वेश्चन आजकल बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, तो इस पर ध्यान दीजिएगा। आपको कोई तट का नाम दे देंगे और पूछेंगे किस राज्य में तट, ठीक है, तो कोरमंडल, कोंकण, किस पूर्वी भाग है, पश्चिमी भाग है, ये सब आप पढ़ लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, यहीं से क्वेश्चन आजकल पूछा जा रहा है। जो नदी, द्वीप, झील, तट, पर्वत और दर्रे, इन सबको मिला देंगे तो आपका ज्योग्राफी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि अभी जो ट्रेंड चल रहा है इस साल का उसमें जो मैक्सिमम क्वेश्चन है यहीं से पूछे जा रहे हैं ज्योग्राफी में, इससे बाहर नहीं बन रहे हैं, ठीक है, तो इन पर ज्यादा ध्यान दीजिएगा। पर्वत कौन सा कहां पर है, जो हमारे छोटे छोटे पर्वत भी है, पूर्वी पर, पूर्वी जो पर्वतमाला है, पश्चिमी जो पर्वतमाला है, उनका सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, कार्डेमम की पहाड़ियां कहां पर है, और जो हमारा जो भी सद्भावना पीक, जो भी छोटे छोटे पर्वत है उनको भी याद रखिएगा कि कहां पर कौन से पर्वत है, तो लूसेंट बुक में आपको मिल जाएगा ये सब, वहां से आप पढ़ सकते हैं इसे। दर्रे तो आपको पता ही है, जो भी आपको दर्रे इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको स्ट्रेटेजिक वाली वीडियो में बता रखे हैं, वहां से आप उसे याद कर सकते हैं। जलप्रपात, वाटरफॉल, जो हमारी सबसे बड़ा वाटरफॉल कौन सा है, एंजल वाटरफॉल, ठीक है, हमारे यहाँ का कुंचिकल वाटरफॉल कौन सी नदी के ऊपर है, किस राज्य में है। धुआंधार वाटरफॉल कौन सी नदी पर है, किस राज्य में है, तो जो इंपॉर्टेंट है वो सब आपको याद रखने हैं वाटरफॉल्स। सौर मंडल के बारे में थोड़ी जानकारी ले लीजिएगा, ठीक है, कौन सा ग्रह का क्या नाम है, किस ग्रह की क्या विशेषता है, या पढ़ लीजिएगा थोड़ा। अगर आप ऑनलाइन SSC, NDA या एयरफोर्स की तैयारी करना चाहते हो तो आप अनअकैडमी को ज्वाइन कर सकते हैं। आप मेरा कूपन कोड यूज़ कर सकते हैं ज्ञानी10, इससे आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिल जाएगा। अभी आपका मॉक टेस्ट चल रहा है NDA 2 के लिए, डेट्स यहाँ पर दी हुई है, आप इसमें एनरोल कर सकते हैं। एयरफोर्स ग्रुप एक्स और वाई के लिए अभी लेटेस्ट बैच लॉन्च हुए हैं, एयरफोर्स ग्रुप एक्स के लिए रुद्र बैच और एयरफोर्स वाई ग्रुप के लिए वायु बैच। इन बैच में आपकी पूरी तैयारी कराई जाएगी और इंडिया के बेस्ट टीचर्स आपको मिल जाएंगे। फीस में आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप मेरा कूपन कोड यूज़ करते हैं ज्ञानी10। तो लास्ट हम बात करते हैं साइंस के बारे में, तो साइंस में आजकल डीप क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन कई शिफ्ट में काफी ऊपर से क्वेश्चन बन जाते हैं, तो आपको अगर ऊपर से क्वेश्चन आता है, आसान क्वेश्चन आता है, वो तो बिल्कुल नहीं छोड़ना, क्योंकि वो सब लोग करके आ रहे हैं, सबसे अलग तो हम नहीं हो सकते हैं। अगर कोई डीप में क्वेश्चन आ रहा है काफी मुश्किल, तो वो सब छोड़ेंगे, तो आपको उससे टेंशन नहीं लेना है। तो अगर देखिए विटामिन से क्वेश्चन आता है तो आपको बिल्कुल गलत नहीं करना है, इसको अच्छे से पढ़ के जाना है, कौन से विटामिन में कौन सा केमिकल होता है, कौन से विटामिन कमी से कौन सी बीमारी, ये आपको पता होना चाहिए। डिजीज, विटामिन से जो डिजीज होती है वो तो पता ही रखनी है आपको, साथ में जैसे वायरस, प्रोटोजोआ, यहाँ से कौन कौन सी बीमारी होती है वो आपको याद रखनी है। SI यूनिट्स, जो भी SI यूनिट्स होती हैं, प्रेशर की क्या SI यूनिट है, वो सब आपको याद रखनी है, मैंने वीडियो बना रखी है इसके लिए भी, आप याद कर सकते हैं, वहाँ से विटामिन, डिजीज और SI यूनिट्स वगैरह मिल जाएगा आपको वहाँ पे। और साथ में मात्रक, इंस्ट्रूमेंट टू मेजर, जैसे प्रेशर किससे मापा जाता है, ठीक है, और जो करंट है वो किससे नापते हैं हम लोग, तो वो सब आपको याद रखना है। इंस्ट्रूमेंट जो भी होते हैं वो सब आपको मिल जाएगी एक ही वीडियो में, साइंस वाली वीडियो मैंने बना रखी है एक, वहाँ पर ये सब चीज़ें मिल जाएंगी आपको। इसके बाद एसिड, बेस और सॉल्ट, इस चैप्टर को आपको अच्छे से करके जाना है, इस चैप्टर से काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं साइंस में, तो इस चैप्टर को आप कोशिश करिए कर ले कंप्लीट। और केमिकल नेम, जैसे बेकिंग सोडा को क्या कहते हैं, केमिकल नेम क्या होता है उसका, वॉशिंग सोडा का केमिकल नेम क्या होता है, सॉल्ट का केमिकल नेम काफी सबको पता है, सोडियम नाइट्रेट, तो ये केमिकल नेम का थोड़ा पढ़ लीजिएगा। और ऐसे ही किसमें कौन सा एसिड होता है, म्यूरियाटिक एसिड किसे कहते हैं, लेमन में कौन सा एसिड होता है, विनेगर में कौन सा एसिड होता है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। तो एसिड, बेस, सॉल्ट और केमिकल नेम, आप दो चैप्टर करने हैं आपको केमिस्ट्री में अच्छे से। और लेंस और मिरर, फिजिक्स में आपको लेंस और मिरर वाला चैप्टर अच्छे से करके जाना है, कॉनकेव मिरर कहाँ यूज होता है, कॉन्वेक्स मिरर कहाँ यूज होता है, कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस क्या क्या डिफरेंस है इन दोनों में, इसको आपको अच्छे से करना है साइंस में, ठीक है। तो साइंस में तीन ही चैप्टर है, बाकी आपके जो
मिसलेनियस है विटामिन डिजीज एज अ यूनिट और मात्रक, या आप वीडियो से एक ही वीडियो बना रखी है मैंने छोटी सी, उससे आप इसको अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थे आपके एसएससी जीडी की जीके के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। तो आई होप इसमें से आधे ज्यादा टॉपिक्स तो आपने अभी तक कंप्लीट कर ही लिए होंगे, जो थोड़े बहुत टॉपिक रह गए हैं उन्हें आप सबसे पहले कंप्लीट करें अच्छे से, उसके बाद आप आगे बढ़ें, क्योंकि ये जो टॉपिक्स हैं वो मोर देन सफिशिएंट है। इससे बाहर आपको रेयरली क्वेश्चन देखने को मिलेगा, क्योंकि ज्यादातर एसएससी के एग्जाम में इन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये आपके लिए काफी ज्यादा यूजफुल होने वाले हैं। पहले इन्हें अच्छे से करें, चाहे आप कोई भी सोर्स है करने के लिए, पहले आप उस सोर्स से इन टॉपिक्स को अच्छे से कंप्लीट करें, उसके बाद आगे बढ़ें। ठीक है, तो इन टॉपिक से आपका जीके में काफी अच्छा स्कोर आ जाएगा, तो आप कोशिश करें कि इन टॉपिक्स को कंप्लीट करने के बाद इसे एक बार रिवाइज जरूर करें, ताकि एग्जाम में ये आपके लिए यूजफुल हो पाए। ठीक है, तो बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम, यही था आज की वीडियो में। थैंक यू, मिलते जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।